तो गाइस आज फातिमा बताएगी कि उसने यूट्यूब चैनल पे कितनी स्ट्रगल की और कितनी स्ट्रगल नहीं की। तो आज आप बताने लगी थी तेरे बिन ड्रामे का, आप वो रिव्यू देने लगी थी तेरे बिन ड्रामे के बारे में, आपका क्या ख्याल आता है? तेरे बिन ड्रामे में मुर्तसिम खान को कहूंगी जागो पाकिस्तान जागो। तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल आया? मुर्तसिम खान तुम्हारे सर पे खेत खल्ला तेरी शक्ल थे मीरा तुम्हारे मुंह पे थोड़ी सी ना इंक फेंक देनी चाहिए। तो गाइज जो मीरा है ना उसका रोल तो बहुत ज्यादा डार्क है। और मैं हया को कहूंगी कि तुम जितनी बेहया हो थोड़ी और हो जाओ। हाँ तो गाइज ये जो है ना क्या कहते हैं मीरब को तो बिल्कुल भी हम मार्क्स नहीं दे लेंगे। मीरब को आप कितने मार्क्स देंगी? -2। तो ऐसा करते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो एक ही जगह देख देख के थक गए हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो लाइफ में, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं किधर बांठन के, और वो भी इतने दिनों बाद। तो आज मैं बांठन के जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे, और उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपकी फ्रेंड की बर्थडे नहीं ख़त्म होती। तो एक्चुअली क्या है ना कि बर्थडे सीज़न जो होता है ना वो सारा साल ही रहता है, तो इसलिए बर्थडे जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। और इसलिए आज मैं तैयार शहर हो गई। जल्दी मैं आपको अपनी ओवरऑल लुक भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सबसे पहले आप लोग क्या करें, तीन काम कर दें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज का व्लॉग होने ही वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों को शॉप पे जाके जी ये कलर कार्ड मिल जाएगा, जिससे आपको जो कलर आप अपने बालों पर लाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं और इनके वॉल्यूम्स हैं। आपको जो कलर अपने बालों पे स्टिकिंग के लिए यानी स्ट्रीक्स के लिए यूज़ करना है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वॉल्यूम 8 सिलेक्ट किया है। तो व्यूवर्स शेड जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अब मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ जो कि मैं आज की स्टिकिंग यानी कि बालों की जो हम स्टिकिंग कर रहे हैं उसमें जो यूज़ कर रही हूँ वो बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमें कैप चाहिए। ठीक है, ये कैप आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, और इसकी मार्केट प्राइस आपको डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद हमें ब्रश चाहिए जिसे हमने अप्लाई करना है कलर को। उसके बाद ये आप देख सकते हैं क्यूने की 2 बॉटल्स हैं। ठीक है, ये एक क्रीम है जिसका नाम है, ये क्रीम डिवेलपर है, और ये वॉल्यूम है 40। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये है क्यूने कलर का जी क्रीम ब्लॉन्ड लाइटनिंग पाउडर। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये क्यूने वाली जो है ये हम यूज़ करेंगे कर्डोन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने बालों का कर्डोन करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, बालों के जो कलर हम चाहते हैं ना कि हमारे बालों पर आ जाए वो आसानी से आ जाता है। ठीक है, आप पहले इस डिवेलपर की थोड़ी सी मिकदार लेकर अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर आ रहा है। उससे आप पाउडर की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि जितना जो कलर आपको एक्चुअल में चाहिए उस हद तक आपने पाउडर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम जी कलर पर। ये है कलर की बॉटल है। ठीक है, और साथ में है जी इसका डिवेलपर, इसका वॉल्यूम भी 40 है। ठीक है, ये हमारे पास है जी कलर है। ठीक है, और ये है इजी कलर, और साथ में इसका डिवेलपर है। ये है आज की जो हम यूज़ करने वाले हैं प्रोसेस में चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो होप सो आपने नोट कर ली होंगी। तो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। तो मैं जाने से पहले आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो
आप ये चीज़ें अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो व्यूवर्स, भी देरी करते चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं क्यूने का जो डेवलपर है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने सबसे पहले, आपने कोई भी बॉल ले लेना है, उसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। उतना ही डालना है जितना आप अपने बालों पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, बोतल के अंदर से आपने सारा डेवलपर जो है वो डाल लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और ये डल चुका है सारा डेवलपर हमने डाल लिया है, और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी पाउडर। ठीक है, अब मैं इसे करती हूँ मिक्स और आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने ये जो डेवलपर और पाउडर है इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए और पाउडर की तो बिल्कुल भी एक दाग जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इस हद तक आपने मिक्स करना है, ठीक है। आप पहले अपने बालों की कोई भी एक लिट लेके उसके ऊपर अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि कलर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो पाउडर और डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मिक्स करती हूँ, आपको ले चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, अब जी कैप का मरहला आ गया और कैप में से निकालने हैं हमने एक एक करके बाल, तो अब बाल निकालते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, अब जो है मैंने स्टिकिंग कैप जो है वो बना दी है। अब इसके अंदर से हम स्लोली स्लोली इस पिन की मदद से बालों को निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बालों को निकालने के प्रोसेस की तरफ। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपने कैप में से बालों को बाहर निकाल लेना है, और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इसमें। जो लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं उन्हें बहुत टाइम लगेगा, तो आप ऐसा कीजिएगा कि अगर आपका पूरा दिन खाली है और आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो उस दिन आप स्टिकिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे प्रैक्टिस भी नहीं थी, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जी ये सारी चीज़ें जो हैं कैप से बाल बाहर निकाल ली हैं। अब जी हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं कार्डन, ठीक है। कार्डन का वॉल्यूम जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था, इसी तरह स्लोली स्लोली जो है ये हम कार्डन जो है, जो ये हमारे पास कार्डन का मटेरियल है, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट लुक। तो व्यूअर्स, कार्डन अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है कलर की। तो अब कलर जो है ये मैंने डाल लिया है बाउल में, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी इसका डेवलपर और इसे मिक्स करूंगी, और फिर से हम इसको बालों पे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जी हम लोगों ने कार्डन अप्लाई कर लिया था बालों के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद आपने बालों को जी सुखा लेना है, ठीक है, ड्राई कर लेना है। ड्राई होने के बाद बालों पे आप अप्लाई करेंगे जी जो हम लोगों ने कलर है जो अब हमारा, वो हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे, और फिर उसे भी आप लोगों ने तकरीबन 20 मिनट तक लगे रहने देना है, और उसके बाद आपने जी बाल वॉश कर लेने हैं। इंशाल्लाह जो है कलर अच्छा सा जो है स्ट्रीक का आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट होगा और आपको स्ट्रीक्स करनी ज़रूर आ जाएंगी घर पर, ठीक है जी। तो मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की आपको इन्फॉर्मेशन देने की। तो फाइनली व्यूअर्स जी, मेरे बाल अपने वॉश कर लिए और आप देख सकते हैं कितने प्यारा सा कलर आ गया है स्टीक का। आपको लग रहा होगा ये फ्रंट पे थोड़ा सा ज़्यादा आया है, यहाँ मैंने चेक किया था कार्डन को और देखा था कि वो बालों के कलर को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, और स्ट्रीक्स जो है वो मेरी हो चुकी हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। और इसी तरह आप भी घर पर आप स्ट्रीक्स कर सकते हैं, अगर आप पार्लर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वो पैसे आप बचा सकते हैं और ख़ुद से जो है वो स्ट्रीक्स जो है वो घर पे कर सकते हैं। कैप से जो बाल निकालने होते हैं उसी में सबसे ज़्यादा मेहनत है, बाकी जो काम है वो बहुत इजी है, वो आप इजीली कर सकते हैं और अपने बालों को दे सकते हैं नई लुक, और ख़ुद भी एक नई लुक में आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी अपनी नई लुक। तो होप्स आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नई वीडियो में। व्यूअर्स, स्टिच्स करने के बाद जी मैं घर से बाहर आ गई हूँ और मैं लेने आई हूँ अपने मोबाइल फ़ोन का कवर,
जो कि मुझे कहीं से नहीं मिल रहा, और मैं इस मॉल में भी आई हूँ और यहाँ भी मुझे पता चला जी मेरे मोबाइल फ़ोन का जो कवर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए जब भी आप कोई लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं ना तो उसका जो कवर मिलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कवर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला। और तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना वॉचेस ट्राई की जाएँ। वॉच मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, इवन कि आई हैव लॉट ऑफ वॉचेस, बट फिर भी मुझे मेरा दिल करता रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की वॉचेस जो हैं वो मैं खरीदती रहूँ और पहनती रहूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। इवन के जो आज का लेटेस्ट स्टाइल आया हुआ है ना, वो जो आया हुआ है डिजिटल वॉच का, वो मुझे नहीं पसंद। पता नहीं क्यों नहीं पसंद, बस नहीं पसंद। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये जो पुराने डिज़ाइंस होते थे ना घड़ियों के, जिसमें घड़ियाँ मतलब के वॉचेस के जो पुराने डिज़ाइंस हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं एज़ कम्पेयर टू डिजिटल वॉचेस। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो मैं पहन रही हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सी वॉच ऐसी थी जो मेरे हाथ में बहुत प्यारी लगी। ठीक है, आपने ज़रूर बताना है। और ये एक और स्टाइल है, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, सिर्फ 400 की ये जो है वॉच है, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। महंगी महंगी वॉचेस क्या करनी है, यही पे वॉच खरीद लेते हैं। डिजिटल वॉचेस जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर लीजिए। अच्छा जी, ये ग्लासेस लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो मैं कुछ और देखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ मॉल को, और जहाँ पे जी ग्लासेस से रिलेटेड भी सब चीज़ें हैं। और ये वॉचेस के और थोड़े से डिज़ाइन से मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। इसमें से अगर कोई डिज़ाइन है जो आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं वहाँ खरीद लूँ तो वो भी मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे एक बॉटल चाहिए थी न्यू, क्योंकि मैं डेली वॉक करने के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी पुरानी बॉटल से बहुत उकता गई हूँ, तो मुझे नई स्टाइल में एक बॉटल चाहिए और एक अट्रैक्टिव कलर चाहिए, क्योंकि मैंने ब्लू एंड पर्पल एंड पिंक का जो है ना एक्सपीरियंस कर लिया ना, मुझे अब चाहिए एक अलग कलर। ये देख सकते हैं मेरी पिंक है और ये लाइट स्काई ब्लू कलर की बॉटल थी, बिल्कुल सेम मेरी बॉटल की तरह, तो ये भी अच्छी थी, बट लाइट कलर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आपका इस बारे में क्या राय है ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल की बॉटल्स लगी हुई हैं, जो कि ये नीचे वाली बॉटल्स जो हैं ये 200 की रेंज में थी, ऊपर वाली ज़रा थोड़ी एक्सपेंसिव थी। और ये जी अब मैं मॉल से बाहर जा रही हूँ और ये थोड़ी सी चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब कि इस मॉल में ग्लॉसी से रिलेटेड और एक्सेसरीज और ज्वेलरी और हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। और ये मॉल कहाँ पर मौजूद है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है चैनवन रोड पर मौजूद है, डी ग्राउंड में, और आप यहाँ आ सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, देखिए ये शॉवर बॉटल थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, अट्रैक्टिव है, मतलब कि अगर आपके वॉशरूम में ये बड़ी हुई है तो बड़ी क्यूट सी लगेगी, प्यारी सी लगेगी। और ये डिफरेंट डिफरेंट शॉवर बॉटल्स हैं और ये तमाम की तमाम जो बॉटल्स हैं ये बहुत प्यारी हैं। अंदर का मटेरियल कैसा है ये मुझे नहीं पता, बट ये सारी बॉटल्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब कि बट ये जो है ये शीशे में ही बॉटल्स हैं और ब्रेक भी हो सकती हैं, तो आपको हिफाजत से इसे यूज़ करना पड़ेगा। और तो व्यूअर्स, सब मैं पार्क में आ गई हूँ और मैंने सोचा पार्क की जो ओवरऑल लुक है वो मैं आपको दिखा दूँ। पार्क जी आज नाइट में कुछ इस तरह से लग रहा है, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये वीडियो में आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा, कूल लग रहा होगा, ठंडा लग रहा होगा, लेकिन मौसम जो है वो अजीब सा हुआ है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, हवा बिल्कुल टोटली तौर पर बंद हुई हुई है और बिल्कुल हवा नहीं महसूस हो रही, बंद है बिल्कुल हवा, और नमी घास में नमियात बहुत है, तो कहीं भी बैठ रही हूँ ना, मतलब कि बेंच में बैठ रही हूँ तब भी हवा नहीं लग रही, अगर घास में बैठ रही तो बिल्कुल ही हवा नहीं लग रही, तो आप मैं कहीं भी बैठूँ तो हवा बिल्कुल नहीं लग रही, और उसके अलावा मच्छर और चूंटियाँ की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो अगर घास में बैठ रही हूँ तो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और चूंटियाँ तो बैठने ही नहीं दे रही घास में, इतनी बुरी तरह से उन्होंने मुझे काटा है कि मेरी लिटरली मेरी जो पाँव है ना उसमें ज़ख्म हो गए हैं, मतलब कि इतनी बुरी चोटी है। तो व्यूअर्स, होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में एक इसी तरह एक्साइटेड सी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू व्यूअर फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट, एंड बाय फॉर नाउ। Thank you.